Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Designer Nusrat Naz. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग में चलने वाली ये डिज़ाइनर सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आज मैंने डिज़ाइन की है कुछ इसी तरह की सिमिलर डिज़ाइन जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास एक सिंपल चिकनकारी सूट है जिसमें नीचे बॉर्डर है, ऊपर नेक लाइन पे ये बीड एम्ब्रॉयडरी है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं कुछ लेस भी यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी का पीस है मैं उसे अलग कर रही हूँ और इसे मैं बाद में इस ड्रेस पे लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे सूट में बॉर्डर भी लगी हुई है, तो मैं इस बॉर्डर को भी यहाँ से हटा रही हूँ। बाद में इस बॉर्डर को भी ऐड करेंगे, पहले हम अपने डिज़ाइन को कम्प्लीट करेंगे उसके बाद इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपर पार्ट कट कर रही हूँ। अपर पार्ट में मैं यहाँ पे योक की कटिंग कर रही हूँ। फैब्रिक को मैंने ऑन फोल्ड रखा है और लेंथ में यहाँ पे योक की रख रही हूँ 13 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन, आर्म होल 7 इंच, शोल्डर 7.5 इंच और इस तरीके से आर्म होल राउंड करना है। बस्ट में यहाँ रख रही हूँ 11 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन और इन सारे मार्क को मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का योक। फ्रेंड्स, हमें सेम साइज का बैक पार्ट कट करना है, लाइनिंग भी कट करनी है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे नीचे का पार्ट कट कर लूँ फ्रंट पार्ट के लिए। ये होने वाला है पैनल में, तो मैं बाकी का जो फैब्रिक है उसे 4 फोल्ड में इस तरीके से मोड़ ली हूँ जिसकी चौड़ाई है 8.5 इंच और लंबाई है 35 इंच। अभी हमें पैनल कट करने के लिए एक कॉर्नर पे यहाँ पे मार्क करना होगा 3 इंच। इसी के अपोजिट दूसरे साइड पे हमें मार्क करना है वापस 3 इंच। दोनों निशान को मेजर टेप को इस तरीके से रखते हुए और लाइनिंग को इस तरीके से कंप्लीट करनी है और इसकी कटिंग भी हमें कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए पैनल भी कट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसे सेट करके दिखा दूँ। इस तरीके से हमें जो ऊपर का 3 इंच मैंने लिया है, 3 इंच वाले पार्ट को ऊपर की तरफ रखना है और पैनल को एक दूसरे से अटैच करके इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम कट कर लेते हैं बैक पार्ट के लिए जो बाकी के सारे पार्ट्स रह गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कट करने वाली हूँ योक। फैब्रिक को ऑन फोल्ड रखा है, उसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट योग कट किया था उसे रखना है और सेम साइज में हमें यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने योग पार्ट की तो कटिंग कर ली है, अभी बैक पार्ट के लिए पैनल कट करना है। तो मैंने सेम फैब्रिक को 4th फोल्ड में रखा है और इसकी भी लंबाई है 35 इंच, चौड़ाई 8.5 इंच। दोनों साइड पे मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ और सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट की पैनल को कट किया था उसी मेथड को यूज़ करके मैं बैक पार्ट की जो पैनल है उसे भी कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे भी हमें सेम वैसे ही स्टिच करना है जैसे कि मैंने आपको फ्रंट पार्ट के लिए स्टिच करना बताया। जो मैं 3 इंच वाला पार्ट लूँ उसे दोनों पार्ट को ऊपर के साइड पे रख के इसके स्टिच को कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे कट कर लेते हैं लाइनिंग। मैं फैब्रिक को यहाँ पे रख रही हूँ 4th फोल्ड में क्योंकि मैं फ्रंट एंड बैक दोनों की जो लाइनिंग है एक ही साथ कट कर रही हूँ। और हमने जो योक पार्ट कट किया था योक पार्ट को सेम इसके ऊपर रख लेना है और सेम साइज का हमें यहाँ पे इसे लाइनिंग कट कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो लेस मैंने खोला था उसे मैं सेंटर से कट करने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले नीचे का ये जो पार्ट है इसे अलग कर लेते हैं और फिर मैं सेंटर से इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। सेंटर पे ये जो एम्ब्रॉयडरी था मैं उसे हटा रही हूँ। तो गाइस सेंटर से जो मैंने कट किया है इसके एजेस को बर्न करना होगा ताकि थ्रेड बाहर ना हो और ये एम्ब्रॉयडरी अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इस लेस को मैं जस्ट देखो इस तरीके से दूसरे साइड पे रख के सूट के साथ स्टिच करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसके एजेस को बर्न कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैं यहाँ पे सूट पे इस एम्ब्रॉयडरी के पीस को स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेस को यहाँ पे इस तरीके से रख के इसके चारों साइड पे मार्किंग कर ले रही हूँ। इसी मार्किंग को मुझे अब कट करना है, तो चलिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट करी है और अब यहाँ पे रख लेते हैं लाइनिंग। लाइनिंग के ऊपर ये आउटर फैब्रिक को रखना है, सीधा अंदर की साइड पे रखना है और एक स्टिच नेकलाइन की चारों तरफ लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद गाइज इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से और इसके चारों तरफ स्मॉल नॉचेस डालेंगे जिसके गले की जो लाइनिंग है अच्छे से बाहर की तरफ आ जाए और ये नेकलाइन बिल्कुल स्मूथ दिखे। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ पे जो हमने लेस कट किया था उस लेस को इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो चलिए लेस को भी स्टिच करेंगे। उससे पहले इसके सेंटर पे, जैसा कि आपने रेफरेंस में देखा, नेकलाइन के सेंटर पे कुछ अलग कलर की फैब्रिक लगे होते हैं, तो यहाँ पे मैं वेलवेट यूज़ कर रही हूँ। तो वेलवेट का जो एक साइड ऊपर का एजेज है उसे लाइनिंग के साथ इस तरीके से रखते हुए मैं उसको फिनिश कर रही हूँ और लाइनिंग को अभी अंदर की तरफ रखना है, वेलवेट को ऊपर की तरफ, और इसे सूट पीस के साथ मुझे स्टिच कर लेना है। तो अब इसके ऊपर रख लेते हैं योक पार्ट। और जी ऐसा यहाँ पे हमने नेकलाइन बनाया, सेम उसी तरीके से एक एक स्टिच इसके ऊपर लगा लेनी है। अभी बारी है लेस लगाने की। तो लेस पहले जो सूट में से निकला वो मैं लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके साइड में एक और लेस यूज़ करने वाली हूँ। पहले इस एम्ब्रॉयडरी वाले लेस को अच्छे से फिक्स कर लेना है इस तरीके से गाइस। अब इसकी चारों साइड पर मुझे एक और लेस मैंने जो सेलेक्ट करके रखा है मैं वो लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं इस लेस को इसकी चारों साइड लगाने वाली हूँ। ध्यान रहे जब आप लेस यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही सॉफ्ट सा लेस यूज़ करना है जो आसानी से राउंड शेप में भी लग जाए। तो मुझे अभी इन सारे लेस को अच्छे से इस ड्रेस के ऊपर फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट की जो योक है उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अभी इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सबसे पहले मुझे लगाना है वेस्ट डार्ट। तो फोल्ड करके 5 इंच पे मैंने एक मार्क किया है, ऊपर से मैं मार्क कर रही हूँ 10 इंच पे। और यहाँ पे मुझे डार्ट की जो स्टिच है उसे कंप्लीट करना है। दोनों साइड पे सेम मार्किंग को ट्रेस करा है और इसी लाइन के ऊपर हमें डार्ट की स्टिच लगानी है। यहाँ से मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और वी शेप में नीचे से ऊपर तक एक एक स्टिच लगा के डार्ट की जो स्टिचेज है उसे कंप्लीट मैंने कर लिया है। अभी इसके ऊपर हमने जो पैनल कट किया था और स्टिच करा था तो उस पैनल को रख के एक स्टिच लगा लेना है। अब मुझे इसके ऊपर लाइनिंग भी लगानी है। तो लाइनिंग अभी हमने नीचे का कट नहीं किया था, चलिए लाइनिंग कट करते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4th फोल्ड में रखा हुआ है जिसकी लंबाई है 23 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। तो अब मुझे इसकी कटिंग करनी है। ऊपर मैंने वेस्ट के लिए यहाँ पे लिया है 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन और नीचे इस तरीके से मेजर टेप को रख के इसकी कटिंग मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। तो चलिए अब इसको स्टिच करते हैं जो हमने फ्रंट पार्ट का जो आउटर बनाया है उसके साथ। तो योक के ऊपर गाइज मैंने इस तरीके से रखा है और वेस्ट लाइन से एक स्टिच लगा दी हूँ। स्टिच लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। ये बैक पार्ट है, सेम प्रोसेस से मैंने बैक पार्ट को फिनिश किया है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अभी चलिए इसके शोल्डर को स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट के ऊपर रख के शोल्डर की स्टिच दोनों साइड पे कर ले रही हूँ। स्टिचेस के बाद बैक पार्ट की जो नेकलाइन है उसे हम फिनिश करेंगे। तो इस सूट में मैं कोई डीप नेकलाइन नहीं रखने वाली थी इसलिए मैं इसकी नेकलाइन यहीं पे कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 इंच गहराई पे रख के इसकी नेकलाइन को कट किया, साइड से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दिया है। इस नेकलाइन को फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है क्रॉस पट्टी जिसकी चौड़ाई है 1 इंच, उसे रखना है इस तरीके से ऑन फोल्ड और नेकलाइन के साथ हमें स्टिच कर लेना है। दोनों साइड पर 1-1 इंच स्ट्राइप एक्स्ट्रा रखना है बाहर की तरफ, स्मॉल नॉचेस डालनी है। और अब स्ट्राइप को गाइज इस तरीके से अंदर की तरफ रख के हमें स्टिच करनी है। जो मैंने स्टार्टिंग में एंड एंड में मार्जिन छोड़ा है उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके नेकलाइन की स्टिच कंप्लीट करनी है। दूसरे साइड पे भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है और स्टिच कंप्लीट करनी है। तो चलिए अभी साइड की स्टिच कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रखा हुआ है
और दोनों साइड पे हमें 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए ऊपर से मैं नीचे 16 इंच तक स्टिच कर रही हूँ। शोल्डर से नीचे 16 इंच तक, मीन्स योक जो है हमारा योक से जस्ट 3 इंच नीचे तक मैंने स्टिच किया है। और ये जो हमने बॉर्डर पहले खोला था सूट से, वो बॉर्डर को मैं इस पैनल पे वापस स्टिच कर रही हूँ। इस सूट में, इस सूट का जो बॉर्डर था काफ़ी चौड़ा था, तो मुझे ये पैनल के साथ भी पूरा फिक्स हो गया। अब हमें यहाँ पे साइड की जो इसकी स्लिट है उसे फिनिश करना है। तो ये आउटर पार्ट की स्लिट इस तरीके से फोल्ड करके फिनिश करना है। उससे पहले हमें जो इसका इनर है उसके स्लिट को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनर की जो स्लिट है उसे फिनिश करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे डबल फोल्ड में इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच की चौड़ाई में इसके स्टिच चाक पॉइंट तक कर दिया है। अभी इसके साथ हमें जो ऊपर का आउटर है उसकी स्टिच करना है। तो नीचे से तो गाइज मैं इसे एकदम अलग रखने वाली हूँ, ऊपर से 2 इंच ये इनर के साथ अटैच रहेगा इस तरीके से। तो चलिए इसकी भी स्टिच कंप्लीट करते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक साइड की चाक को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस से बाकी के जितने पार्ट है उसे आप फिनिश कर सकते हैं। तो गाइस सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की भी स्लिट को आपको फिनिश करना है। और यहाँ पे मैंने दूसरे साइड की भी स्लिट को इस तरीके से फिनिश कर लिया है। लाइनिंग देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग है और आउटर अलग है। तो चलिए अब इसमें हमें ऐड करना है स्लीव्स। तो स्लीव्स की मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग यहाँ पे नहीं बताई है, बेसिक सी फुल स्लीव है। तो बेसिक फुल स्लीव्स कट करके आपको स्टिच कर लेना है। आप चाहो तो स्लीव्स के बॉर्डर पे लेस लगा सकते हो, जैसे कि सूट के नेकलाइन के साइड पे लगी है, तो इसे सूट और भी अच्छा लगेगा। स्लीव्स के बॉर्डर पे आप 4 से 5 इंच तक लेस लगा सकते हो। मैंने इसके आस्तीन को स्लीव्स को सिंपल रखा है, बट अगर आप लेस लगाओगे तो ये लुक और भी अच्छा आएगा सूट का। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ इस ड्रेस का फाइनल लुक। तो गाइज अगर आपको ये आइडिया पसंद आई हो और आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।